खबर सिरोन से, विश्व सनातन संघ द्वारा गायों के लिए रखे जलपात्र। विश्व सनातन संघ द्वारा बहुत लंबे समय से गाय के लिए प्रतिदिन चारे की व्यवस्था की जाती। बीमार गोवंश की सेवा के लिए संगठन के युवा सदैव ही तत्पर रहते हैं। उपलक्ष्य में गर्मियों को देखते हुए गौ सेवा स्थल चंद्रमोहन सभागार के यहाँ जहाँ गायों को प्रतिदिन चारा खिलाया जाता, वहीं पर जलपात्र के रूप में पानी की टंकी रख जल की व्यवस्था की गई। गौवंश को गर्मी में पानी की समस्या न हो, इस मौके पर संगठन के युवा अधिक संख्या में रहे मौजूद। संगठन के तहसील अध्यक्ष अमित पाराशर ने बताया, हमेशा गौवंश की सेवा के लिए तत्पर है संगठन। आज उसी क्रम में गायों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। बीच मौजूद तरुण रघुवंशी ने बताया, गर्मी को देखते हुए संगठन ने बिल्कुल सही फैसला किया, जिससे गौवंश को पानी की कमी नहीं होगी। प्रियांशु साहू ने कहा, हमारा उद्देश्य गौ सेवा और बड़े स्तर पर की जाए, जिससे अधिक से अधिक गायों की सेवा हो सके। गौ सेवा करने पहुंचे अमर नामदेव का कहना, संगठन द्वारा जो कार्य किया जा रहा वास्तव में सराहनीय है। अगर सेवा का सही रूप देखना है तो संगठन द्वारा होने वाले सेवा कार्यों में समय दें और स्वयं अनुभव करें। इस मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष तरुण कुमार जाटव ने संगठन के युवाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया, युवा की सतत मेहनत और समर्पण भाव से ही सेवा कार्य संपन्न हो जाते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं का तहसील अध्यक्ष अमित पारासर ने आभार व्यक्त किया। हम गौ सेवा तो प्रतिदिन कराते ही हैं, साथ में गर्मी के चलते अभी कुछ जलपात्र रखे हैं हमने, जिनका लक्ष्य हमारा 1100 था, उसमें अभी कुछ कम है लेकिन 1100 हो जाएगा। साथ ही एक गौ सेवा के लिए हमने पत्र रखे हैं, जो जलपात्र के रूप में टंकियों पर रखी हैं। इनमें अभी हमने 8 टंकी रखी हैं सभागार के यहाँ पे, जो विश्व सनातन संघ गौ सेवा कराता है वहीं पे। बाकी कुछ और जगह पे भी रखने वाले हैं, कुछ प्याऊ की व्यवस्था भी कराएगा संगठन। खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।